आजमगढ़ से आईएसआईएस आतंकी सबाउद्दीन आजमी गिरफ्तार। 15 अगस्त पर धमाके की प्लानिंग कर रहा था, एआईएमआईएम का सदस्य बताया जा रहा है आतंकी। बिहार में नीतीश कुमार के यूटर्न पर बीजेपी हमलावर। लखनऊ में सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय के सामने बीजेपी का धरना प्रदर्शन, कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। श्रीकांत की गाड़ी से स्टिकर पास मिलने के मामले का सरकार ने संज्ञान लिया, फर्जी पास को लेकर बड़ी कार्रवाई करेगा प्रशासन। बाराबंकी में दबंगों के डर से तीन परिवार पलायन करने के लिए मजबूर, घर के बाहर लगाया है मकान बिकाऊ है का पोस्टर, पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक होगी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बैठक में शामिल होंगे। यूपी में बरेली में नगर निगम की पानी की टंकी निर्माण के दौरान हादसा, 28 में से 26 मजदूर हादसे में घायल। प्रयागराज में पूर्व विधायक रंग बहादुर पटेल के घर पर बमबारी, अज्ञात हमलावरों की बमबारी से पूर्व विधायक के दो बेटों को चोट लगी। यूपी के बाराबंकी में जमीन विवाद में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, महिलाओं समेत दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल, मारपीट का वीडियो वायरल। नोएडा के बाद अलीगढ़ में भी बीजेपी नेता की गुंडाई का मामला आया सामने, मजदूर को पीटते हुए नेता का लाइव वीडियो वायरल। ये मोदी के हाथों में सजेंगे वृंदावन की विधवाओं के हाथों से बनाई राखियां, मथुरा से करीब 1000 राखियां भेजी गई। बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर बढ़ा, 25 गांव में पानी भर जाने से हड़कंप, लोग कर रहे हैं पलायन। उत्तरकाशी के आराकोट मोटर मार्ग पर भूस्खलन के बाद हालात खराब, जान जोखिम में डालकर पैदल सफर कर रहे हैं लोग। रुद्रप्रयाग में मेहड़खोला तोक में मलबा आने से भारी नुकसान, मलबे में दबी गौशाला।